जी स्टूडेंट्स वेलकम बैक। और लास्ट सेशन है ये जी, अब ये कोई 20 मिनट का सेशन है हमारा। एक आप लोगों के लिए वीडियो मैंने शेयर किया है, तो आई वांट टू प्ले इट। आवाज नहीं आ रही सर इसकी। लिखा हुआ पढ़ ले बेटा। अच्छा अच्छा लिखा हुआ। वाह है ना मजेदार बात। ऐसी वैसी देखा तो आप लोग अपनी लाइफ में ना कुछ चीजों की जो है वो अवेयरनेस पैदा करें। एक तो इश्फाक अहमद साहब को जो है ना वो सुना करें। इश्फाक इनका एक प्रोग्राम लगा करता था किसी जमाने में जाविया के नाम से। अब तो अल्लाह जन्नत नसीब करे जी ने, तो बड़ी दुआएं हैं लोगों की इनके लिए। तो ये बाबा जी का प्रोग्राम लगा करता था इश्फाक अहमद का, और इन्होंने ड्रामे भी बड़े अच्छे लिखे हैं। और एक इनका ड्रामा है मन चले का सौदा,
ठीक है, ये आपको YouTube पर मिल जाएगा मनचले का सौदा। और ये आपने ड्रामा की बैठ के ना कोशिश करनी है, देखें इसको, जब आप ये देखेंगे तो आपका बड़ा ही खूबसूरत आपको रिश्ता नजर आएगा इंसान का और इंसान का अल्लाह ताला के साथ और लोगों के साथ क्या जो है वो रिश्ते होते हैं, इंसानी रिश्ते, और कैसे वो बिहेव करते हैं। प्लस ये कि इसमें स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस है उसकी जवाद अहमद साहब की, जवाद अहमद जो हमारा सिंगर है वो उन्होंने इसमें गाना भी गाया हुआ है। तो ये मनचले का सौदा जो है रेकमेंडेड है, ये आप लोग देखें। खैर जरूर, ये हमारे तो बचपन के ड्रामे हमने देखे हैं, मीन्स के बहुत पुराना ड्रामा ये, लेकिन ये किसी ने इसको अपलोड किया हुआ है, आप लोग देखें इसको जरूर। और बड़े लोगों की बड़ी बातें, तो एक प्रोग्राम के अंदर इशफाक अहमद साहब और उनकी वाइफ जो है वो बानो कुछिया साहब, इशफाक अहमद साहब एंड बानो कुछिया, ठीक है जी, इनकी वाइफ थी, ये भी बहुत बड़ी खातून थी, मियाँ बीवी ना बहुत बड़े थे, इनके कद बहुत बड़े थे। तो इनका जो है ना, अगर ये जो इंटरव्यू लिखा हुआ है, अगर आप ये इंटरव्यू सुन लेना तो आपको आइडिया होगा कि लोग जो बड़े लोग होते हैं वो सोचते कैसे, जिनका इंटेलेक्ट बहुत हाई होता है और तसव्वुफ के साइड पे होते हैं, जो असली पीर बुजुर्ग बनना चाहिए जिन लोगों को, वो किस तरह के होते हैं, और जो हमारे जो जाली पीर हैं वो किस तरह के हैं, वो भी हमें पता चल जाएगा। खैर आगे आ जाइए, हमारी डिस्कशन हो रही थी, हम डिस्कशन को कैरी ऑन करते हैं, साथ साथ जो है वो अपनी अटेंडेंस भी लगा लेते हैं। सर एक चीज पूछ सकता हूँ सर? जी जी पूछे पूछे। सर पेपर फाइनल का जो पेपर होगा वो आप क्या पैटर्न इस दफा देंगे? बेटा वही जिस तरह जो लास्ट टाइम का पैटर्न उसी तरह का पैटर्न होगा सर, चेंज कर लें थोड़ा सा, कोई न्यूमेरिकल सवाल दें सर, और उसके बाद अब पैटर्न चेंज कर दूं मैं सर, देखे ना उसमें हमने नंबर मार लिए, हमें किसी और चीज में चेक करें सर, थोड़ा लेंथी था पिछले दफा, इस दफा थोड़ा सा टाइम पर मसला होता है, वो जरा देख लीजिए। मुशरफ बात कर रहे हैं? मुशरफ जी सर। हाँ मुशरफ, कोई बात नहीं बेटा, लेंथी पेपर हो तो मजा भी तो आता है ना, 6 घंटे में क्या करना है आपने, 6 घंटे क्या करना है, बैठ के पेपर ही हल करना है ना, कोशिश करते हैं ना पेपर ऐसा बनाए कि 6 घंटे में ही हल हो। सर वैसे 8:48 पे हुआ था, 8:48 में हुआ था मेरा पेपर सर, वो फिर लेट सबमिट और पेपर करने का सर मजा भी बहुत आया था। अगस्त लो जी, पेपर का तो आना चाहिए था ना मजा। सर पहले आजादी होती थी ना जब इंडिपेंडेंस डे, तो सर वो मतलब याद है, हम सारे काम करते थे, मतलब बाहर जाते थे, आप बिलीव करें आज तो पूरा दिन बाहर भी नहीं गए। नहीं वो नहीं निकला होगा ना आज, नहीं निकला। अब्दुल रहमान, अब बाहर वालों की आवाजें सुन के ना दिमाग सुन हुआ हुआ था सर, अब तो व्हाट्सएप पे वो पां की आवाजें आने लग गई है, वो 2 सेकंड की पां लोग सर स्पेशल फोन करके कह रहे हैं वॉइस सुनो, इनडायरेक्टली मुझे कह रहे देख लो सर, मैं ना नाश्ता कर रहा था तो सर इसका मुझे फोन आया, कहती कि अब्दुल रहमान जल्दी से मैंने वॉइस किया वो सुनो। सर मैंने कहा पता नहीं खैर हो क्या कह रही, मैंने जब वॉइस सुनी ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था, वो तो छोड़ने वाला नहीं था अब्दुल रहमान, ऊपर से पूरा सस्पेंस सर, मैंने नीचे लिखा था इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। अच्छी है ना, वो फिर पता चलना चाहिए था ना। अच्छा सर मैंने भी गौर नहीं किया, वो 2 सेकंड की है, मैं बस ओके किया, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रही होगी, तो देखा पां 2 सेकंड में क्या होना अनाउंसमेंट। ऐसे ही है। सना इरफा है क्लास में? सना भी नहीं है। महविश कहाँ है? महविश भी नहीं है आज। वैसे आज क्लास होनी नहीं चाहिए थी, सर आपको ज्यादा एमएससी वाले ही नजर आ रहे होंगे आज भी देखने सर। नहीं एमएससी एमकॉम दोनों ही अच्छे सेक्शन है,
सेक्शन अच्छे, लेकिन आज देख रहे हैं सर एमएससी वाले बैठे होंगे 14 अगस्त को भी। नहीं मैं नाम बैठा हुआ देखो ना, नाम नाम के बगैर तो क्लास नहीं ना हो सकती हमारी। नहीं नाम भाई तो माशाल्लाह से मैंने देखा हर क्लास में होते हैं। नाम भाई बेशक अस्सलाम वालेकुम सर, कासिम जी भी लगा दीजिएगा, वो बेसिकली उसका नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो उसका भी जो है ना बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो, बस कर दो। रफाकत तुम्हारी जगह उसकी लगा देता हूँ, कभी लगा दें कोई मसला नहीं है। वो वाकई उसने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मेरी जो है ना सर को कह देना, उनके एरिया में वाकई इशू है सर। एज अ टीचर सर, सर एज अ टीचर काशिम जी मैंने देख लिया था उसको पहले, प्रेजेंट है सर। एज अ टीचर आपने माशाल्लाह कितनी देर से टीचिंग कर रहे हैं। एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो एक टीचर को ना बहुत ही ज्यादा इंस्पायर करता है या उसे हर वक्त याद होता है। अच्छा, सर आपकी स्टडी लाइफ में सर मेरी नहीं लगाई आपने अटेंडेंस वहां पर एंड टाइम पे जब मैं, चलो मैं लगा देता सर। मैंने आपने नाम ही नहीं बोला, आप लाइन वाइज बोल रहे थे फिर आप वो बीच में बात करने लगे। सर हम आशीर्वाद की भी लगा मां भी लगा, क्यों लगा दूं भाई हम आशीर्वाद की। सर जी प्रेजेंट क्लास में आशीर्वाद की लगी होगी फिर देखो सर, सर आगे भी लगा दें। अरे कह रहे क्यों लगाऊं भाई सरा की, उसने नहीं ले गया था उसमें, उसका नेट इशू कर गया बाद में। ये हमेशा हर क्लास में क्यों कर जाता है उसका नेट इशू सर, पता नहीं पिछले लिंक में थी वो। सर मेरी भी लगा दें। मेरी कौन, मैं कौन हूँ सर? माँ हम आपने लगाई नहीं अभी तक, लगा दी बेटा लगा दी। नहीं सर लगी मेरे ख्याल से आपने नीचे लगा दी। हाँ जी है क्यों गया? अस्सलाम वालेकुम सर, सर मेरी लग गई है। हाँ जी लग गई बेटा, शुक्रिया सर। अच्छा जी, हाँ जी अब्दुल रहमान आवाज उठा जी। सर मैं ये कह रहा था कि आपकी टीचिंग लाइफ में प्रोफेशनल में जितनी देर से आप स्टडी करवा रहे हैं पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोई एक ऐसा बच्चा हो जो आपको मतलब कि बहुत ही ज्यादा मतलब के इंस्पायर किया उसने और अभी भी आपको वो सबसे मतलब उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अच्छा सर मेरा नाम ना लीजिएगा सर, सॉरी नजरों में आ जाऊंगा मैं। सर अब्दुल रहमान का नाम ही ले लें आप। सर मेरा ले लीजिएगा, किंतु नाम। अच्छा सर मैं नजरों में आ जाऊंगा सर, सॉरी नजरों में आ जाओगे सर। नहीं होते कुछ प्रॉब्लम स्टूडेंट्स होते हैं, बाज़ का बड़े अच्छे स्टूडेंट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं। आपकी क्लास में माशाल्लाह बड़े हैं, आयशा है, आप है, इनाम से इनाम है दूसरी क्लास में, उसके बाद रफाकत है, दानियाल है, ये बड़े अच्छे स्टूडेंट्स हैं। नहीं वो सारी जिंदगी सर हम किसी खाते में नहीं, हमारे यहाँ सर हम बाकी साहब छानपुर हैं आपके नजर में। सर बेसिकली सब भी अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा लाइक जैसे सर मैं भी टीचिंग करता हूँ, मेरे पास बीकॉम में एक लड़की आई थी वो मतलब के मुझे मतलब उसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता उस स्टूडेंट की। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मतलब स्टूडेंट्स तो सारे अच्छे हैं, हम भी जैसे आप हमें कहते हैं कि आपकी क्लास बड़ी अच्छी है, लेकिन कोई एक ऐसा स्टूडेंट होता है जो मतलब जिसका अगर ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। मैं भी बच्चे पढ़ाता हूँ 6-7 साल से बीकॉम के, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं होता कभी कि एक ही स्टूडेंट को आप कह देंगे ये फेवरेट है या ये बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं मैंने फेवरेट की बात नहीं की, आपने मेरी बात अभी तक सुनी नहीं। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब्दुल रहमान की बात से मैं सहमत हूं। वो किस बात से, हमारे हमारे ना बचपन से हमें पढ़ा रहे हैं, मींस के मैट्रिक में ना एक हमारे सर थे सर उस्मान जी सर, तकरीबन हमारा एफ ब्लॉक जो है ना मॉडल टाउन का वो सारा उनसे पढ़ा हुआ है, तो वो उन्होंने हमें पढ़ाया। आज से कोई तकरीबन मैट्रिक किया मैंने कोई 97 में, तब वो हमें पढ़ा रहे थे, तब हमारे साथ क्रिकेट भी खेलते थे और जो भी हम स्पोर्ट्स करते थे वो हमारे साथ करते थे। और आज वो मेरे चचा के बेटे को पढ़ा रहे हैं, तो उनके साथ हमारा बॉन्ड जो है ना वो बहुत ज्यादा है, स्ट्रांग है, हमारे बड़े अच्छे टीचर हैं। और क्या पढ़ाने का उनका स्टाइल है, तरीका है जबरदस्त, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी दे, हमारे बड़े अच्छे सर हैं।
प्लस ये कि ये टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ होता है बॉन्ड, और काफी उनका उनका तो मेरे साथ मेरे बड़े भाई के साथ तो ज्यादा है, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली टाइम गुजरता जाता है और लोग जो है वो पुराने होते जाते हैं, कुछ लोग जो है जिंदगी में रहते हैं कुछ चले जाते हैं। हाँ, आपसे सीनियर्स भी कुछ लोग हैं वो अभी तक रबते में है, यूएमटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं वो भी रबते में हैं, और कभी वो उनका रबता छूटता नहीं है। एक आज आज भी फोन आया था, तकरीबन 3 सेमेस्टर पहले एक स्टूडेंट को पढ़ाया था, वो उनमें से एक लड़का है, अनस है। इस सेमेस्टर में इंशाल्लाह रबता रहेगा आप लोगों से भी, तो मुझे लगता है कि ये क्या कहते हैं एक इनाम से बहुत ज्यादा रबता रहेगा। और ये रफाकत और ये जो है दानियाल है एम कॉम में से, इनके साथ ज्यादा रबता रहेगा। बाकी ये है कि अमार जो है ना, अमार का पता कोई नहीं है, अमार जो है मूड है तो यार रबता कर लेगा, तो नहीं पता नहीं, मैंने किसी को नहीं बताना। तो बाकी ये क्या आप लोगों की क्लास में से भी 4-5 स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो अगर एक वाली बात करें ना, असल में अगर फेवरेटिज्म आ जाए ना हमारे अभी राइट नाउ, अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए फेवरेटिज्म आ जाए, फिर ये जब वो पेपर सामने आते हैं ना बंदा वैसे ही फिर उसको पास करना शुरू कर देता है। तो फेवरेटिज्म मैं कोशिश करता हूँ कि अगर करनी भी है तो आप फिर उसको पेपर के बाद करें, तब पता चलता है ना स्टूडेंट कितना है आपका और कितना नहीं है। स्टूडेंट आपका बाद में पता चलता है जब पेपरों के बाद वो फ्री हो जाता है, और उसके बाद जब आपको मिलता है ना तो वो फिर पता चलता है कि आपका कितना है वो। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही। सर प्रेजेंट नहीं सर, हमारे लिए तो वही फेवरेट है यार। मुझे ना ये अहमद अली खान है यहाँ पे क्लास में सर, उन्होंने सारे सर वो मेडिकल चेकअप के लिए गया है। यार मुझे ये बात बताएं कि उसको प्रॉब्लम क्या है, किसी को पता है? सर उसे ना जरा काफी इश्यूज हैं। मसलन क्या उसको इश्यू क्या है? सर पहले उसे हो गया था कोरोना, तो अच्छा। उसकी वजह से वो काफी वीक हो गया है, और उसे और भी एक दो प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं शेयर नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए ना उसका रोज मतलब रूटीन में मेडिकल चेकअप चलता रहता है। सर मैं अच्छा। एक बात ऐड करना हूँ अहमद साहब की, आज उन्होंने मेरे साथ किस तरह बात की है। सर आपने मुझे कहा ना कि वो मतलब बता देना जी के प्रेजेंटेशन है जो भी है। अच्छा। तो सर उस वक्त एक्चुअली मैं मतलब मेरी वालदा की मेडिसिन भी लेने जा रहा था, और मैंने मतलब शावर भी करना था लेना था, तो मैंने बता के ना चला गया। इन्होंने ना मुझे फोन कर दिया, मैं जाने लगा, मैंने काट दिया कि मुझे एसएमएस कर दो, मैं बता दूंगा। इन्होंने जनाब ने ना मुझे 2 SMS किए हैं वॉइस, मैं नहीं सुन पाया, मेरा मोबाइल साइड पे था, मैं मसरूफ था। लिटरली सर वालदा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मैं उस परेशानी में मुब्तला हूँ अभी भी। तो सर वो जनाब ने जी एसएमएस किया जी, भाईजान आपको अगर सर ने जिम्मेदारी दी हुई है आप मैसेज का तो जवाब दे, हद है यार आपको, मैं मैसेज कर ही जा रहा हूँ आप मुझे बता नहीं रहे। मतलब बड़ा रूड तरीके से वो मेरे साथ उसने बोला। मैंने कहा मैं उसको क्या कहूँ अब, मैं ये बताऊं जी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं किस वजह से आपको कह दिया कि आप मैसेज कर दो, मैं आपको भी जवाब दे देता हूँ। अच्छा। तो वो बस ये भाईजान ने, मैंने कहा मैं बताऊंगा उनको बाद में, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूंगा सर, अगर अगर टीचर किसी को बता कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो स्टूडेंट्स पूछी जाए बार बार, अगला बंदा भी तो सर कोई मसरूफ होगा। सर स्पेशली अब्दुल रहमान ने ग्रुप पे मैसेज किया था कि सर ऐसे कह रहे हैं, सर का मैसेज आया है तो आप सब रेडी रहे ना। ये अब्दुल रहमान ने क्लियर मैसेज जो है वो ग्रुप में भेजा था, जिसमें अहमद अली भी ऐड है। अब वो इंडिविजुअल मैसेज करके, सर मुझे भी काफी इंडिविजुअल मैसेजेस आते हैं मतलब ना अदर सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो अलहदा अलहदा समझाना मुश्किल हो जाता है। आप ग्रुप में एक मैसेज कर देते हैं, वो ऑफिशियली सबके पास ही चला जाता है। सलीम अब्बास का पिछला भी 2 मीटिंग आ रहे हैं सर, जो भी लगा दे प्लीज। क्लास अटेंड कर रहा हूँ सर जी, रेगुलर नहीं कोई अटेंड नहीं कर रहे बेटा, कर रहा हूँ सर जी, एक भी नहीं छोड़ा।
कर रहा हूँ सर जी, मैं बेटा कह मुझे रहा नजर आ रहा है, मैं जब लगाता हूँ तो सारों से पूछ के लगाता हूँ, तस्वीरें खींची होती मैंने सर, जो बाकी पूछ ले सर जी, वो कर रहा हूँ सर जी, एक भी नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे रिस नहीं है बस, ऐसे नहीं है ऐसे, ये देखो ये लो ये बंद हो गई। हाँ जी सर, जी बेटा आपसे पूछना था, क्या पूछना था बेटा? एक तो आपसे दुआ करवानी कि सर मेरा एसीसी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दुआ करें कि एसीसी हो जाए। कौन कर रहा एसीसी मैं ऐसे दोबारा स्टार्ट करने तो बस दुआ करें कि वो एसीसी। अमार यासीन सर, अमार यासीन अगर तुम ट्यूशनें छोड़ दोगे ना तब तुम्हारा जी सर हो जाएगा, तुम ट्यूशनें पढ़ाना छोड़ दो सर, ये तो हाँ ये भी बात ठीक है सर। आप अब भाई बड़े टीचर है ना एसीसी के, तो उनके पास भी टाइम नहीं है पढ़ाने का ना मेरे पास पढ़ने का, इसलिए वो डिले हो जा रहा बात। नहीं सर, पिछले सर एक साल में ना मेरे लिंक्स में ना काफी अमार नाम के बंदे आए हैं, जिसने मेरा पिछले साल इंटरव्यू लिया उसका नाम भी सर अमार, सैयद अमार हुसनैन था, सारे बंदे पढ़े लिखे ही हैं, मैं कही हम ही रह गए एसीसीए के बगैर, वरना सर अच्छी पोस्टों में लगे हुए हैं। सर आपका एक दोस्त था हमार, वो क्या करता है? सर अटेंडेंस लगवाने आया था, तीनों सेशन लिए मैंने, अब्दुल रहमान की सारी प्रेजेंट सुनी है मैंने। अच्छा उसने खुद नहीं सुनी, आपने सुन ली है आपका दोस्त एक अमार था, वो क्या करता है? वो अमेरिका में, वो क्या नाम है, यूके में गुडियां उड़ाता है वो। सर यूके में पतंगबाजी होती है? हाँ होती है होती है सर। हाँ सर वो चांबे वाला एक बंदा चाहिए होगा उनको, वो गुडिया सर गुडिया लूटने वाला बंदा भी चाहिए होगा उनको। नहीं नहीं वो तो उसमें हमारा वीजा लगवा दे सर। सर हमने पूरी मतलब बचपन से लेके ना जब तक बसंत थी ना यहाँ लाहौर में, गुड़ियां लूट के इकट्ठी की, जब हमारी उम्र आई उड़ाने की उन्होंने बसंती बंद कर दी। हाँ बस ऐसे ही है। अच्छा मैं आपको ना कुछ चीजें दिखा रहा था, ये देखिए जी, ये है जी, ये लास्ट पिछले साल ना ये तस्वीरें खींची थी मैंने अपने इधर। सर आपने जो लैब, जी जी सर, हाँ क्या कह रहे हैं सर? मैंने कहा जो पिक्चर आपने लगाई ना लैपटॉप के फ्रंट स्क्रीन पे, तो यकीन करें आप हॉलीवुड की मूवीज किया करें, हॉलीवुड की। ओ ये कौन कह रहा है, इतना मक्खन कहाँ से आ रहा है? यकीन करें बाहर बट रहा मक्खन मिल रहा था ना, तो वो इसलिए सर जो आपने क्लास ली थी यूनिवर्सिटी में हमारी, वो आपकी एक पिक हमारे पास पड़ी थी, मेरे पास तो उस दिन तो अब्दुल रहमान का वो यादगार दिन था ना, है ना अब्दुल रहमान सर? मेरा लैपटॉप गिरा दिया था सैरिश ने ना सर, आपने बहुत ही पिक्चर्स क्लिक की हुई है, ये मैंने खुद खींची है बेटा, ये भी एक आर्ट है। अब्दुल रहमान की ना जो वीडियो करना परेशान उसमें है, तो वो बिल्डिंग को बड़ा फोकस किया आपने, आयशा फोकस कर पिक्चर्स पे, कितनी प्यारी खींची है। सर आपके ख्याल में, सर आपके ख्याल में इंस्टीट्यूट डालना चाहिए स्टडी के वाले से, क्या ख्याल है? हाँ बनाना चाहिए, जी जी बनाना चाहिए। मैंने वैसे एक अकेडमी तो बनाई हुई है अपनी, दो अकेडमीज में मैं विजिटिंग पे पढ़ाता हूँ, एक अपनी है, अच्छा कुछ होम ट्यूशन भी है, सारा दिन पढ़ा पढ़ा के रात को सर का अकाउंटिंग दिमाग में उतनी घूमती होती है, इनकम टैक्स सेल्स टैक्स अकाउंटिंग में भी डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हो, नींद में भी है ना, खाने में भी डेबिट क्रेडिट कर रहे होते हो। ऐसा होता है कि नहीं सर? आप बताइए जरा, आप भी पढ़ाते हैं यकीनन, अगर आप ज्यादा सर सर एक पढ़ाई का सवाल पूछ सकता हूँ सर? सबर तो करो, रोटी डेबिट होगी क्रेडिट नहीं हो रही अब दिमाग में चलती रहती है डेबिट क्रेडिट यार। तबा यार तबा 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 तबा, आप ये खूबसूरत से फूल देखे जनाब, ये हमारे घर में लगे हुए सोए पे सर, बंदा डेबिट क्रेडिट कमाल की फोटोग्राफी की हुई है। मैं ये कह रही हूँ कि आर्ट होती है फोटोग्राफी करना भी। ये देखें जी, ये देखें मक्खी बैठी हुई है,
और मक्की को नहीं पता कि मॉडलिंग हो रही है मक्की की है? ये देखिए कैसी जबरदस्त है, नाइस पिक्चर और क्लियर है बिल्कुल, कैमरे का रिजल्ट भी कमाल है। अच्छा ये खत्म हो गई, इसमें नहीं है अभी होगा। ये रॉ तस्वीरें कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, आई थिंक आपको नेचर बड़ी नेचर से वो प्यार है, आपने जितना क्लिक की हुई है ना वो डीपली। मेरे एक दोस्त ने चाइना से ड्रोन कैमरा मंगवाया तो वो दे दी गए सर जीपीओ वाले, बड़ी सर सकती है ये, बाहर से कैमरा वगैरह नहीं मंगवा सकते ड्रोन कैमरा। अच्छा ऐसे वो कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आप नोट लेके आए अप्रूवल और पीडीएस से अप्रूवल ले उसके बाद आप यार वो आराम से हमें मिल जाते हैं ड्रोन कैमरास की क्या जरूरत है आपको, ड्रोन पाकिस्तान से मिल जाते हैं? नहीं नहीं सर वो ना चाइना से मंगवाया था वो दोस्त था। अच्छा 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 उसने बेचारे ने मुझे कहा कि तुम निकलवा दो, तुम कहते हो बड़े लिंक्स हैं। तो आज पहले दिन मैंने वो ट्राई किया तो पता चला मुझे भाई ये तो काम कोई इतना होले वाला नहीं सीन है। वो वजह ये होती है सर कि वो दहशतगर्दी में भी यूज हो सकता है। और नहीं आई मीन मिसयूज हो सकता है ना, इसकी लीगल उड़ा भी नहीं सकते हैं। चले कोई नहीं, कोई कोई बात नहीं। अच्छा जी आज का सेशन खत्म करते हैं, लेकिन अगली क्लास में एमकॉम वालों आप सारे तैयार रहे, आप सबकी प्रेजेंटेशन अगले क्लास में होगी और अपना फाइनल प्रोजेक्ट जमा करवाएं और जल्द अज जल्द जमा करवाएं। अरे हमने करवा दिए अब्दुर्रहमान ग्रुप ने तो अब तो कुछ ना करवाना, हो गया ना बाहर हो गया ना सर, जमा करवाएंगे ना सारे बाकी जमा करवाएंगे। ठीक है अपना ख्याल रखिएगा, एमकॉम की वजह से लेक्चर एमएससी की होगी सर, ऐसे ही होगा जी जी एमएससी सर। अब नहीं यहां पे हमारे कभी आपको या आपके इलाके का गोगा ने की किया यहां पे भी आ गया है शालीमार लिंक रोड पे, वो यार उसको यहां से ले जाओ हमें नहीं चाहिए, वो गोगा ने की किया हमें गोगा ने की भी चाहिए ही नहीं, उसको ले जाओ यहां से। काफी देर से बैठा हुआ सर वो वहां पे, हां मुझे पता है। ठीक है चले बेटा ख्याल रखिएगा, अब ओके सर अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ सर अल्लाह हाफिज़।